मारना है किसको मारो, लेकिन हमारी फैमिली की जमीन है, हम लोग लेके रहेंगे और हमारा जमीन हम लोग को खाली करने करके दो। किसी को दमा की बीमारी हो रही है, टीबी की बीमारी हो रही है, कैंसर की बीमारी हो रही है, इसको कौन दे रहा है? बंकरा, बंकरा, हमारा खेती है और हम लोग का मच्छी मारने का जो धंधा था वो बंद हो गया। डंपिंग बंद होनी चाहिए और हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। करेंगे फिर हम लोग को मारो, अभी कल मारेंगे तो आज ही मार दो हम लोग को। तानाशाही करके महानगर पालिका जबरदस्ती अगर कचरा डाल रही है तो ये कौन से संविधान में बैठता है? कोई भी वोट डालने नहीं जाएगा, हम सभी का बहिष्कार करेंगे। चुनाव के दरमियान भी उन्होंने डंपिंग की झोपड़ी बना के आंदोलन करके वोट मांगने चाहे क्या है? तुमचा अधिकार है, तुम्ही परवानगी दिली तर करू, नाहीतर नाही करू। पहिले परम कोई कहता अगोदर सोमवारी दादा कोण से बोलो तो दावा लागे आणि तो अधिकार, तो अधिकार माझा नाही तुमचा नाही। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। दीवा डंपिंग ग्राउंड को लेकर एक बार फिर किसानों की, आसपास के झोपड़पट्टी रहवासियों व जगह मालक ने जंग छेड़ दी है। कई बार महानगर पालिका को पत्र देने के बाद भी असर जस के तस रहा है। इस डंपिंग ग्राउंड को लेकर कई बार आंदोलन हुए। महानगर पालिका ने दीवा डंपिंग ग्राउंड हटाने के लिए कई बार आश्वासन दी लेकिन नहीं हटा, जिसके कारण आज सुबह 10 बजे से कचरे के गाड़ियों को रोक दिया था। 2 घंटे के बाद ठाणे महानगर पालिका के अधिकारियों ने वहां पर पहुंचे और आश्वासन दिया, फिर जाकर गाड़ियों को जाने दिया। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखे भीड़ किस तरह से लगी है कचरे की गाड़ियों को। कई मतलब 2 घंटे तक रोका गया था। जगह मालक संदीप भवन भोईर का कहना है, पिछले 15 सालों से हमारी जमीन पर कचरा डंपिंग करने का काम किया जा रहा है। हमने अब तक कई बार आवाज उठाई है, सिर्फ हटाने का आश्वासन ही मिलता है और आज फिर आश्वासन मिला है। सोमवार को सर्वे करने की बात कही है, मेरी जितनी जगह है निकलेगी उतने में कचरा नहीं फेंका जाएगा, इस तरह से अधिकारियों ने कहा है। अब देखने वाली बात है कि कब सर्वे होता है और वहां कचरा डंपिंग करना बंद कर देंगे। इस आंदोलन में झोपड़पट्टी के लोग जो बिल्कुल कचरा डंपिंग से सट कर लग कर रहते हैं उनके लिए भी समस्याएं हैं। और खास करके संदीप भवन भोईर ने बताया, मुझे मेरी जान का खतरा है क्योंकि इस डंपिंग ग्राउंड को लेकर मेरे सहयोगी संदीप पाटिल की हत्या हुई है जो इसमें सहयोग कर रहे थे और यही वजह है मुझे भी टारगेट कर सकते हैं। सुनिए संदीप भवन व उनके सहयोगियों ने क्या कुछ कहा है और इसके बाद जो है मड़वी साहब जो नगर सेवक हैं शिवसेना से, उन्होंने क्या कुछ कहा है आप सुनिए। कौन कौन साहब है, कौन है उसको बुलाओ और हम लोग को दिखाओ, कौन सा 1 रुपया दिए है क्या 8 आने दिए हम लोग को, ये पैसा कौन खा रहा वो भी उनको दिखाओ ना उन लोग ने। हम लोग को कुछ नहीं, अभी तक हम लोग से एक अधिकार आया भी नहीं, आश्वासन देने भी नहीं आया। हम लोग खाली वो न्यूज में देख रहे क्या डंपिंग हटने वाला है। अभी इतना साल में हम लोग डाले इस डंपिंग में, हम लोग डाले इतना साल का है, कुछ हम लोग को दो। हम लोग को उसके बारे में अभी तक कोई साहब नहीं आया, क्या अधिकारी इधर कोई नहीं आया अभी तक बोलने को भी, क्या तुम लोग को कुछ देंगे मिलेंगे, कुछ है कुछ नहीं मिला। हमारी फैमिली ऐसे ही गुजारा कर रही है, बहुत तकलीफ हो रहा है हम लोग घर वालों को। अगर मनपा को कुछ देगी तो आप मान जाएंगे? नहीं मानेंगे हम लोग, इससे पहले डाले उसका तो कुछ देंगे नहीं दिए ना, अभी क्या देंगे, इसलिए भगाओ। वो नहीं मांगता इधर के पब्लिक को, तकलीक नहीं मांगती है और हमारा जमीन हम लोग को खाली करने करके दो। हमारा खेती गया है और हम लोग का मच्छी मारने का जो धंधा था वो बंद हो गया, सब बंद हो गया। हम लोग हो गए कमाई से नहीं, हम लोग को वो आश्वासन भी हम लोग को आके नहीं दिए, अभी भी कोई आश्वासन नहीं। वो पेपर में देते वो क्या कर रहे उससे हम लोग को, हम लोग जमीन, हम लोग का जमीन खुद का है, हमारे पास पेपर है, हम विरोध कर रहे फिर भी बलजबरी से हमारे जगह में क्यों डाल रहे, किसके बोलने भी डाल रहे। कई बार आपने जो है ये जो है पत्र व्यवहार किया है और उसके बाद आज आंदोलन भी आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि इसके बाद भी प्रशासन नहीं जागती है तो उसके बाद क्या, हम लोग क्या कर लेंगे? अभी तोड़ फोड़ कर देंगे, उसके बाद तोड़ फोड़ करेंगे,
तोड़ फोड़ करेंगे फिर हम लोग को मारो, अभी कल मारेंगे तो आज ही मार दो हम लोग को, हम लोग आए इधर ही खड़े, मार दो हम लोग को, बोलो प्रशासन को, उसको गोली मार रहा था हम लोग को भी मारो, मारो बहुत हो गया, हम लोग को बहुत धमकी दी गई, केस हो जाएगा, केस करेंगे, इसमें फंसाएंगे उसमें फंसाएंगे, बहुत बार हो गया है, बहुत घर पे कोई आया है, हम लोग अभी डरने वाला नहीं, ऐसे ही मारेंगे वैसे ही मारेंगे, हम लोग का जो है जो मारना है किसको मारो, लेकिन हमारी फैमिली की जमीन है हम लोग लेके रहेंगे और ले हम लोग वो छोड़ेंगे नहीं, किसको हम लोग को कोई कुछ दिया नहीं, हम लोग से बात भी नहीं की है, तो देने का बात ही छोड़ दो, घुट घुट के मर रहे, आज ही मार दो, मैं तो बोलता आज ही मार दो, हम लोग फैमिली इधर आए मरने के लिए, मारो अभी तक। सर क्या कहेंगे आप जो है डंपिंग ग्राउंड को लेकर जिस तरह से यहाँ पे विरोध जारी है, विरोध कर रहे हैं, कई बार पत्र व्यवहार करने के बाद भी महानगर पालिका ने जो है यहाँ से डंपिंग ग्राउंड नहीं हटाई है। सबसे पहले मैं डंपिंग ग्राउंड का जाहिर निषेध करता हूँ, दूसरी बात है यहाँ के स्थानीय लोग इतना परेशान हो गए इस डंपिंग ग्राउंड से कि सब नेता लोगों के पास जा जा करके वो लोग बोल बोल करके परेशान हो गए, कोई यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर ऐसा ही कंडीशन रहेगा तो इस इलेक्शन के चुनाव में कोई भी वोट डालने नहीं जाएगा, हम सभी का बहिष्कार करेंगे, नहीं तो इलेक्शन के पहले डंपिंग ग्राउंड को हटाया जाए। और रही राजनीति की बात तो सब अपनी अपनी राजनीति गर्म कर रहे हैं, उसमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, स्थानिकों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर 8 साल से यहाँ दीवा के लोग डंपिंग ग्राउंड को लेकर के भोग रहे हैं, किसी को दमा की बीमारी हो रही है, टीबी की बीमारी हो रही है, कैंसर की बीमारी हो रही है, इसको कौन दे रहा है, इसको महानगर पालिका दे रही है। और जमीनी हक जिसका जो मालिक है जमीन का, उसके जमीन पर तानाशाही करके महानगर पालिका जबरदस्ती अगर कचरा डाल रही है तो ये कौन से संविधान में बैठता है। और जिस किसानों के जमीन पे ये डाला जा रहा है वो किसानों ने आंदोलन किया है और हम किसानों के साथ है कि डंपिंग बंद होनी चाहिए और हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। हम लोग तो उसके लिए थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में उनके महासभा में प्रस्ताव भी लाए कि जल्दी से जल्दी वो बंद हो जाए। तो किसानों की जो मांग है कि इनलीगल डंपिंग हमारे खेतों में की जा रही है वो बंद होनी चाहिए और हम उनके साथ हैं। मनसे विधायक राजू पाटिल जो विरोध कर रहे हैं इसका, उसका क्या, उसके बारे में क्या कहना है? देखो मनसे विधायक राजू पाटिल ने जानकारी लेके विरोध करना चाहिए क्योंकि हम लोग दीवा की डंपिंग हटा के भंडावली में डंपिंग नहीं कर रहे, वहाँ एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इस सैग्रीगेशन किया जाएगा, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करके उसमें उसका विघटन किया जाएगा, ऐसा करने जा रहे हैं। लेकिन इनका इनका जो इनकी जो राजनीति है वो डंपिंग पे, 2012 के 9 के चुनाव में भी वो डंपिंग के मुद्दे पे चुन के आए, 2017 के चुनाव के दरमियान भी उन्होंने डंपिंग पे झोपड़ी बना के आंदोलन करके वोट मांगने चाहे, और 2019 के चुनाव में वो लोग जीत के आए तो डंपिंग हटाएंगे इस मुद्दे पर भी जीत के आए। समझो आगे चल के शिवसेना के प्रयास से अगर डंपिंग हटती है तो उनके लिए कोई मुद्दा नहीं रहेगा मनसे के लिए, इसलिए उनके पाँव तले जमीन खिसक गई है, इसलिए वो जानबूझ के आंदोलन कर रही है ताकि शिवसेना के प्रयास से यहाँ से डंपिंग हटे नहीं। तो आप लोग डंपिंग ग्राउंड जो है वहाँ पर कचरे का वो हटा के रहेंगे? डंपिंग ग्राउंड हटाने का प्रोसेस चालू हो चुकी है, महासभा ने ठहराव किया है, जल्दी वो प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। आज तक तो जो हुआ वो कोई प्रयास नहीं निकल रहा था, जमीन नहीं मिल रहा, आज हमें जमीन मिली है, वो जमीन भी पहाड़ के नीचे है जहाँ कोई बस्ती नहीं है, उसके आजू बाजू में कोई बस्ती नहीं, ऐसी जगह पे जमीन मिली है, तो अभी यह तो प्रयास तो शुरू हुआ, उसको हमें यश आ रहा है। वहाँ किसानों का समर्थन है? किसान आजू बाजू में कोई किसान ही नहीं है, आजू बाजू में सब अंगार के और केमिकल्स के गोडाउन है, यहाँ रोज टायर वो केबल जलाए जाते हैं इतने ऐसी जगह पे, और जैसा ये जहाँ पे जगह है उसके लगत से ही ये चालू होता है, पहाड़ चालू हो जाता है। जमीन मालिक तैयार है जमीन देने? जमीन मालिक ने म्यूनसिपलिटी को प्रस्ताव दिया है और उनके प्रस्ताव के अनुसार ही ये काम महापालिका ने प्रस्ताव मंजूर किया है महापालिका। तो आज जो आंदोलन किया गया उसमें क्या मतलब रिजल्ट निकल कर आया है सामने? आंदोलन किया किसानों ने, और किसानों के आंदोलन में हमने अधिकारियों को बुला के उनसे बातचीत करवाई कि बाबा ये जमीन में जो तो आप कर रहे हो डंपिंग वो बंद करो,
किसान कहते हैं कि हमें बिना पूछे कहे हो या किसी के एनओसी लेके कहे हो तो वो खुला करो। अब जो किसानों का अपोज है वहाँ मत करो। अब जल्दी से जल्दी हमेशा के लिए दीवार से डंपिंग बाहर हटाओ। क्या आपका है, तुमचा अधिकार है, तुम्ही परवानगी दिली तर करू, नाहीतर नाही करू। पहिला परम त्याच्या अगोदर सोमवारी दादा कोणाचे पहिले शोधावं लागेल। आणि तो अधिकार माझा नाही, तुमचा नाही, आपण मोजणी करून घेऊ। जर त्यांनी सांगितलं की साहेब ही जागा आहे ती एवढी यांची आहे एवढी यांची आहे, त्यांच्याकडे मार्किंग करून घेऊ। जर तुमची जागा निघाल तर आमचा काय अधिकार नाही, तुमचा अधिकार ते बोलू आपण। असं तुम्ही साहेब आता मी गेले 10 वर्ष होती तर करतो, बरोबर ठीक आहे। तुम्ही आज येऊन मला सांगा 10 वर्षा पूर्वी काय करते मला काही ठीक आहे बोलू आपण। इथून इथून जागा तुमची निघाली तर मग तुमच्या तुमचा अधिकार आहे तो तुमचा नाही। मी काय बोलतोय साहेब, मी काय बोलतोय, तुम्ही आता मान्य करता का बंद, आम्ही तुम्हाला परमिशन देतो चालू कराल तुम्ही, बरोबर आहे। पण नेटला जाण्याचा रोड आहे तो तरी इमर्जन्सी लोकांना करा, किती त्रास होतो, त्रास होतो लोकांना। अरे मी काय बोलतो, डांबरी रस्त्यांना का बघून चांगल्या करा, ते रोगराई झाले लोकांना, काय त्रास किती लोकांना, काय ते लोक आजारी पडले काय, त्यांना गरीब आहे बिचारे, कशाला। असं बी नाही, जागा जागा मालकाचा होकार असला तर त्यांना त्रास झाला ठीक आहे, पण त्यांना त्याचा बी होकार नाही आणि त्यांना त्रास